सात आठ नौ दस। मजनू सपोर्ट नहीं चाहिए। अबे सपोर्ट दे मेरे को। हाँ आ रहा हूँ भाई, सॉरी वो जरा फोन में। नहीं वो फोन में थोबड़ा घुसर के क्या बैठा है बे? भाई वो जरा चैटिंग कर रहा था। क्या चैटिंग? चैटिंग तेरे चैटिंग के चक्कर में मेरे हड्डियों की सेटिंग बिगड़ जाती है। जिसे देखो हर चूतिया चैटिंग में लगा पड़ा है। आज मैं इन सब चैटर्स का मैटर ही क्लोज कर देता हूँ। अब शुरू हो जाएगा ये। दुनिया की आधी आबादी मुंह से कम उंगलियों से ज्यादा बातें करती है। भाई आप भी तो चैटिंग करते हो। करता था, अब नहीं करता। शॉक लगने के बाद कुत्ता भी बिजली के खंबे पे सुसु करना छोड़ देता है। मैं तो इंसान हूँ। भाई आप खंबे पे सुसु करते थे? कहावत है ये फुद्री के। टॉपिक क्या है, चल क्या रहा है, किस चूतिये ने स्किप लिखा है पता नहीं। भाई ऐसा क्या हुआ जो आपने चैटिंग छोड़ा? मैं भी एक जमाने में अपनी चंपा से चैटिंग करता था। मैंने उसको हाय भेजा, उसने बोला सूप, मैंने बोला नो सूप ओनली नूडल्स। बहन की टकी ने ब्लॉक कर दिया मेरे को। फिर दो दिन बाद पता चला वो सूप नहीं व्हाट्सएप बोल रही थी। ये शॉर्ट फॉर्म ने जिंदगी हराम कर रखी है मेरी। नहीं जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, चैटिंग करते वक्त सामने वाले का थोड़ा तो ख्याल कर लिया करो। बेचारे को चैटिंग करते करते गूगल ट्रांसलेट और डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ता है। लड़की पटा रहा है या आईएएस के एग्जाम दे रहा है समझ में नहीं आता। नहीं इतने शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो, टाइम बचा के कहा मंगल ग्रह पे अपॉइंटमेंट फिक्स होता है क्या तुम लोगों का? फिर जैसे तैसे करके मैंने शॉर्ट फॉर्म सीख लिया। फिर मार्केट में ऑटो करेक्ट नाम का नया कीड़ा आ गया। मैंने एक बार एक दोस्त को भेजा हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड, और ऑटो करेक्ट ने डियर का कर दिया डेड। बेचारे को जन्मदिन के दिन ही मार दिया मैंने। वो चंपा को मैंने जैसे तैसे करके फिर से पटा लिया था, सोचा उसके डिम्पल्स की तारीफ ही कर दूं। मैंने भेजा यू हैव ब्यूटीफुल डिम्पल्स, और ऑटो करेक्ट ने फिर से अपनी भांजी मार दी, डिम्पल्स को कर दिया निपल्स। वो फिर से ब्लॉक करके चली गई मेरे को। मैंने भी अपनी बुलबुल पे तारीफों के बम फोड़े, पता चला ऑटो करेक्ट ने लगा दिए। जब हम पहले व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते थे तब सिर्फ मैसेज करके छोड़ देते थे। सामने वाला पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, रिप्लाई देगा नहीं देगा, कोई टेंशन नहीं, एटलीस्ट मन में कोई डाउट तो नहीं रहता था। फिर इन चूतियों ने निकाला डबल टिक, जिससे ये पता चलता था कि सामने वाले को मैसेज डिलीवर हुआ है। फिर जब सामने वाले का रिप्लाई नहीं आता तो हमारे दिमाग का दही हो जाता है। फिर इन चूतियों ने और एक नया फीचर निकाला ब्लू टिक, कि भाई मैसेज पढ़ लिया है लेकिन तेरी औकात नहीं कि मैं तुझे रिप्लाई करूं। फिर इतनी ट्रांसपेरेंसी में भी इनके पिछवाड़े का कीड़ा शांत नहीं हुआ, इन लोगों ने और एक फीचर निकाला टाइपिंग। नहीं कल ये भी फीचर आ सकता है कि मैं कहां बैठा हूँ, सुसु करने बैठा हूँ या पॉटी करने बैठा हूँ या नंगा चिता पे लेटा हूँ। नहीं तुम लोग चैटिंग का दूरदर्शन पे लाइव प्रसारण क्यों नहीं कर देते? कंट्रोल भाई कंट्रोल। अब इन चैटर्स को मोटिवेट करने के लिए नए खिलौने भी आ चुके हैं मार्केट में, इमोजी टकले भड़वे भोपाड़ी के। एक दिन ऐसा आएगा स्कूल में पहले से चौथी तक के क्लास में ग्रामर में एक नया चैप्टर ऐड होगा इमोजी, कि भाई कौन सा इमोजी कब और कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ नमूनों को पता ही नहीं होता कौन सा इमोजी कहाँ डाले। परसों किसी ने मुझे एक मैसेज किया हाउ आर यू आंख मारने वाली इमोजी के साथ। मैंने 2 घंटे मुझे ये डिसाइड करने में चला गया कि ये हाल पूछ रहा था या लाइन मार रहा था। मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। फिर बाद में पता चला कि वो चंपा थी। ये इमोजी ने दिमाग का भाजीपाला कर दिया यार। कुछ इमोजीज का तो मतलब भी समझ में नहीं आता। नहीं क्या है क्या ये नीचे वाला सामान ऊपर क्यों लगाया, नाक से सुसु करेगा? और इस बेचारे ने क्या पाप किया था रेसिस्ट साले? गोरे लोगों के लिए गोरा इमोजी, काले लोगों के लिए काला इमोजी, और पीला इमोजी किसके लिए, जिनको पीलिया हुआ है? नहीं इन फालतू इमोजीज का इन्वेंशन किसने किया बे? ए न्यूटन तुझे ऐसा छबीना बांधला। अबे ये फुदरी का मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देता। अब ये तो थी चैटिंग, इससे भयानक होती है ग्रुप चैटिंग। तुझे पता है जो लोग बचपन में मम्मी पापा से मार खाते थे, फ्रेंड सर्कल में कोई भाव नहीं देता था, स्कूल में कभी मॉनिटर नहीं बन पाया, मुंह पे दाढ़ी नहीं उगा पाया, वो बच्चा बड़ा होके व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बनता है। इन्हें लगता है चलो कम से कम यहाँ तो इज्जत मिलेगी। अरे वो गटर के सुअरों के सरदार को भी तुमसे ज्यादा इज्जत होती है बे। नॉनसेंस। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, वो तो भड़वा एडमिन निकला बहन का। हे गाइस, तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, और इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आई हैव यू।